हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एग्जामपुर सी डी एस सी ए पी एफ एफ कैट एग्जाम प्रेप चैनल मैं हूं जुबैर रहसानी और आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमेशा यहां से मिलेंगे आपको क्वेश्चन भरपूर एक ऐसा टॉपिक जो हर साल यहाँ से आपको देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा यानी हम रूट नॉर्मल रूट की बात नहीं करेंगे स्टैम्प्स नॉर्मल स्टैम्प्स की बात नहीं करेंगे नॉर्मल पत्तियों की बात नहीं करने वाले हैं इनके रूपांतरण की बात होगी और यहाँ से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखेंगे अगर टाइम मिला तो हम आ, फ्रूट्स के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे ट्रू फ्रूट क्या होता है फॉल्स फ्रूट क्या होता है और फ्रूट्स के एडेबल पार्ट्स क्या क्या होते हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन हुआ करता है तो एक बार आप लोग बताएं कि क्या हमारी आवाज़ और हमारी तस्वीर क्लियर दिख रही है इस बीच हमारे साथ हैं प्रियंका मानसिंह सलोनी शनि प्रजापति हमारे साथ हैं एपिक हमारे साथ हैं सूफिया नाज हमारे साथ हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है देखते हैं क्या प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है आप जानते हो कि मंडे टू फ्राइडे मैं ग्यारह बजे आपके रूबरू आ ही जाता हूँ तो आप चैनल पर चले जाइए वैसे कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए तो आपको मालूम ही होगा कि मंडे टू फ्राइडे देखो मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे मैं आपके रूबरू रहता हूं थ्योरी की क्लासेस लेकर है ना और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए अब तक कि संडे को फिर ग्यारह बजे संडे को ग्यारह बजे हम इन्हीं टॉपिक्स टौपिक, टॉपिक्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं जैसे अभी हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन हम संडे को लेकर आएंगे यानी पाँच दिन में हमने जो भी थ्योरी पढ़ा उसके एमसीक्यूज लेकर आते हैं तो ये आपको तो मालूम होना चाहिए जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं शनिवार को अच्छा एक दिन भी आराम नहीं करेंगे क्या क्वेश्चन भी तो बनाना है आपके लिए तो सैटरडे को आपके लिए फिर इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाते हैं है ना प्रीवियस के क्वेश्चंस उसमें शामिल करते हैं आ, तो एक दिन भी तो आराम चाहिए आदमी को तो उस दिन आराम करता हूँ गौहर हुसैन लिख रहे हैं शनिवार को कल वाला टॉपिक पूरा अच्छा कल वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है कोई टॉपिक छोटा होगा तो उसमें मर्ज कर दूंगा मैं ठीक है उसको पूरा कर दूंगा या फिर उन बातों को संडे वाली क्लास में शामिल कर लूंगा जैसे बीओडी क्या होता है उस पर बेस्ट इस तरह से क्वेश्चन रखूंगा कि वो थ्योरी ही लगे है ना बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से अगर नहीं पूरा कर पाया तो संडे को उस पर बेस्ट जैसे बी ओ डी ऑक्सीजन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं इन सभी चीजों पे क्वेश्चन ले आऊँगा। तो जो बातें थ्योरी में रह जाती वो आपने देखा होगा कि वो मैं लेकर चला आता कहाँ कहा क्वेश्चन में क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि मैंने ये थ्योरी में मिस कर दिया है तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले आता हूं ब्राइटनेस कम करवा दें अच्छा दिख नहीं रहा है साफ चलिए मुझे बताओ सर केमिस्ट्री है ना ये ये है बायो का टॉपिक केमिस्ट्री तो कल पढ़ रहे थे हम लोग इनवायरमेंटल तो तना का रूपांतरण पढ़ने से पहले जानिए कि तना क्या होता है और रूट क्या होता है थोड़ा सा हम बेसिक बात करेंगे लोअर लेवल पे और फिर हम आगे आएंगे तो अगर आप बात करते हो कि स्टैम प्लांट के किस भाग को हम स्टैम कहेंगे प्लांट के किस भाग को हम रूट कहेंगे तो अगर आपने देखा होगा किसी सीड को जैसे मान लिया कि ये चना है ये चना का सीड है इस तरह से चना का सीड होता है और ये सीड कोट होता है ये चना का छिलका होगा ये ऊपर क्या है सीड कोट है उसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ है ना ये मान लिया चना है और ये ऊपर छिलका है जिसको सीड कोट कहते हैं यह है सीड कोट, है ना बीज और ये दोनों जो दाल हैं, अगर आप इसका छिलका हटाइएगा सीड कोट हटाइएगा चना का छिलका हटाइएगा सीड कोट हटाइएगा तो आपको इस तरह से दो दाल दिखेंगे है ना इस तरह से दो दाल दिखेंगे ऐसे ऐसे आम बोलचाल में हम इसे क्या कहते हैं दाल कहते हैं लेकिन बायो की भाषा में इसे हम कॉटिलीडन बोलेंगे क्या कहेंगे कॉटी बीज पत्र या आम बोलचाल में हम इसे ही दाल कहते हैं दो दाल रहता है इसमें चना का छिलका हटाकर खोलिएगा तो देखिएगा दो कॉटी मिलेंगे आपको और यहां पे जहां पे दोनों आपस में जुड़े रहेंगे यहां पे इस जगह पे रहता है बेबी प्लांट यहां पे रहता है आपका बेबी प्लांट ये है बेबी प्लांट शिशु पौधा शिशु पौधा ठीक है यानी एम्ब्रियो भ्रूण तो शिशु पौधा सीड के अंदर सोया रहता है डोरमेंट स्टेज में रहता है सुसुप्ता अवस्था में रहता है ठीक है तो सीड का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीड में क्या क्या होता है कॉटिलीडंस होते हैं बीज पत्र होते हैं और शिशु पौधा सोया रहता है बीज के अंदर ये शिशु पौधा है बहुत छोटी सी जगह पे जहां देखिएगा दो दाल जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे रहेगा एम्ब्रियो भ्रूण यानी शिशु पौधा सो रहा होता है सीड के अंदर अब कोई सोता है तो उसे कैसे जगाते हैं तो आप कहिएगा उसमें पानी डालेंगे हम सीड पे पानी डालेंगे तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी और ये जर्मिनेट करना चालू करेगा अंकुरित होना चालू कर देगा तो जब हम सीड पर पानी डालेंगे तो ये क्या होगा जर्मिनेट करना चालू करेगा ध्यान से सुनना यहीं से बेस बनेगा इस टॉपिक का और आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ तना जैसी संरचना विकसित होगी और नीचे जड़ जैसी संरचना विकसित होगी ऊपर जो तना जैसी संरचना विकसित होगी ना उसे हम प्लूमूल कहेंगे प्लियूमूल कहेंगे प्रांकूर कहेंगे जो आगे चलकर स्टैम या शूट यानी तना बना लेगा और जो जड़ जैसी संरचना विकसित हुई है उसे क्या बोलेंगे रेडिकल कहेंगे मूलांकुर कहेंगे सबको पता है ना जो आगे चलकर रूट में बदल जाएगा जड़ में विकसित हो जाएगा अब यहां से दो क्वेश्चन होंगे तो जैसे ही आप पानी डालोगे तो सीड की डोरमेंसी ब्रेक होगी और यहां पर जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करना चालू करेगा ये बेबी प्लांट था नीचे की तरफ रूट जैसी संरचना रेडिकल और ऊपर होगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़ जड़ किससे विकसित होता है तो कहेगा रेडिकल से तना किससे विकसित होता है तो लुमूल से दो क्वेश्चन अब ये छोटा सा जो संरचना बन गया इसको सिडलिंग कहते हैं क्या कहते हैं सिडलिंग्स है ना अब ये क्या करेगा ग्रो करेगा वृद्धि करेगा और क्या बना लेगा प्लांट बना लेगा तो पौधे का वह पार्ट प्लांट का वह पार्ट जो रेडिकल से विकसित होगा जमीन के अंदर जाएगा जड़ कहलाएगा प्लांट का वह पार्ट जो प्लूमूल से विकसित होगा जमीन के ऊपर जाएगा तना कहलाएगा तना को पहचानने का एक और तरीका है कि तना में क्या होंगे तो नोट्स और इंटरनोट्स होंगे तो तना को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं स्टेम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट स्टेम कहलाएगा देखो वह पार्ट जो प्लूमूल से विकसित होगा और जिस पर नोट्स और इंटर नोट्स होंगे क्या होगा अगर हम स्टेम को डिफाइन करें तना को डिफाइन करें तो तना किससे विकसित होगा प्लूमूल से जनरली ये जनरली ये अर्थ के ऊपर जाएगा और जिसमें क्या होगा नोड्स होंगे एंड इंटर नोड्स होंगे इस बात को समझना यहीं से क्वेश्चन बनाया था सी वालों ने नोड्स मतलब संधि इंटर नोड्स मतलब पर्व संधि ठीक है अब ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या होंगे देखना आगे हमने ओरिजिनल डायग्राम भी बना रखा है देखो तना का वह रीजन जहां से पत्तियां शाखाएं फूल इत्यादि निकलेंगी वो कहलाएंगी नोड्स और दो नोड के बीच का जो रीजन होगा वो इंटर नोड कहलाएगा तो ये हो गया आपका नोड संधि ये हो गया आपका क्या नोड संधि और दो नोड के बीच का रीजन क्या कहलाएगा बोलिए ये दो नोड के बीच का जो रीजन है वो कहलाएगा आपका इंटर नोड ये बेसिक बातें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो अगर कोई कहता है कि प्लांट के किस भाग को हम स्टेम कहेंगे तना कहेंगे तो आप कहेगा वह जो प्लूमूल से विकसित हो जिस पर नोड्स और इंटर नोड्स हो नोड्स क्या है तना का वह भाग जहां से पत्तियां शाखाएँ, फूल इत्यादि लगते हैं नोड, नोड और दो नोड के बीच का रीजन इंटर नोड क्लियर है सबको क्लियर है? रूट कौन कहलाएगा जो प्लूमूल से विकसित हो और जो नीचे जाता हो जमीन के लेकिन क्या मैं नॉर्मल स्टेम की बात कर रहा हूं क्या मैं नॉर्मल रूट की बात कर रहा हूं नहीं यानी मैं ऐसे स्टैम्प की ऐसे रूट्स की ऐसे लीव्स की बात कर रहा हूं जो किसी और काम के लिए रूपांतरित हो गया है मॉडिफाई हो गया है तना को जनरली ऊपर रहना चाहिए हो सकता है ये नीचे चला जाए रूट को जनरली नीचे रहना चाहिए जमीन के ये ऊपर चला जाए तो इसमें रूपांतरण हो गया मॉडिफिकेशन हो गया तो हम उस तरह के रूट्स उस तरह के स्टैम्प और उस तरह के लीव्स की बात करेंगे समझ में आ गया चलो ये हो गया हमारा बेसिक बात अब हम बात करते हैं तना का रूपांतरण मतलब ये तना है लेकिन तना जैसा नहीं है इसमें कुछ बदलाव आ गया है कुछ रूपांतरण आ गया है जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आलू अदरक हल्दी जमीन का ये तना है कि जड़ है तो आपको ऐसे लगेगा अच्छा आलू जमीन के नीचे है तो जड़ होगा अदरक जमीन के नीचे है तो जड़ होगा हल्दी जमीन के नीचे है तो जड़ होगा जमीनकंद जिसे ओल जमीनकंद जिसे ओल या सूरन के नाम से भी जाना जाता है यह भी जमीन के अंदर होता है तो आपको लगेगा अच्छा ये तो जड़ है लेकिन अगर पूछा जाए कि आलू अदरक हल्दी और जमीनकंद ये सब क्या हैं, तना है कि जड़ है तो सबसे पहले आपका उत्तर हो जाएगा ये सब तना है लेकिन कैसा तना नॉर्मल तना है क्या नहीं ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं क्या है लिखेंगे दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स रूपांतरित तना है रूपांतरित तना है या अंडरग्राउंड स्टेम भी लिख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टैम भूमिगत तना क्या है भूमिगत तना तना को कहाँ रहना चाहिए जमीन के ऊपर रहना चाहिए ये कहां है? जमीन के नीचे तना को क्या करना चाहिए अपने ऊपर पत्तियों को फूलों को फलों को उगाना चाहिए वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना चाहिए लेकिन यह तना जमीन के अंदर आ गए और फूड स्टोरेज करने लगे फ्लैशी हो गए और हम लोग इसको खा गए क्या हुआ हम लोग इसको खा गए तो यह कैसा तना है रूपांतरित तना है तो अगर आपसे पूछा जाए कि आलू है अगर आपसे पूछा जाए कि आलू है स्टैम मॉडिफाइड स्टैम रूट मॉडिफाइड रूट बोलो मॉडिफाइड रूट टेल मी विच वन शुड बी द आंसर आलू है तना रूपांतरित तना जड़ रूपांतरित जड़ तो तो आपका उत्तर होगा मॉडिफाइड स्टैम रूपांतरित तना लेकिन मैं ऑप्शन को चेंज करता हूं क्वेश्चन सेम है कि आलू है और ऑप्शन में दे दू तना जड़ बूथ नन अब बताइए आलू है तो अब उत्तर आपका हो जाएगा तना लेकिन ऑप्शन में तना और रूपांतरित तना दोनों हो वी विल गिव प्रायरिटी टू विच वन मॉडिफाइड स्टेम। तना तो है लेकिन कैसा रूपांतरित तना लेकिन अगर ऑप्शन में मॉडिफाइड स्टेम नहीं है तो सिर्फ आप तना लगा सकते हो अब क्वेश्चन ये होता है आपसे पूछा जाएगा कि आलू अदरक जमीनकंद हेल्दी ये सब तना कैसे हुआ तना कैसे हुआ तना कैसे हुआ क्वेश्चन पूछा गया सी में तना कैसे हुआ ये सब तो आप कहेगा कि किस भाग को तना कहते हैं जिसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं तो क्या आपने देखा नहीं कि आलू में नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं आलू को देखिएगा तो इस तरह से आपको ये दिखेगा ये सब नोट्स हैं इस तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं नोट बोल सकते हैं इसी को हम बर्ड कहते हैं इसी को आई कहते हैं है ना संधि या कलिका या आंख तो ये हुआ नोड दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा इंटर नोड अगर आप आलू को क्या करो यहां से काट के जमीन में डाल दो है ना तो यहां से के पत्तियां जड़ें इसमें आ जाएंगी ये नया आलू बना लेगा पौधा बना लेगा क्या आपने अदरक में नहीं देखा नोट्स और इंटर नोट्स मिलते हैं कि नहीं अदरक पे हल्दी में देखा है होगा आपने इस तरह से हल्दी है नोट्स और इंटर नोट्स हैं तो भले ही ये जमीन के अंदर है प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के अंदर है कोई जरूरी नहीं है कि वो रूट ही होगा वो तना भी हो सकता है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आलू जो है वो तना कैसे है तो आप कहेगा कि आलू पर नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं प्लांट का वह पार्ट प्लांट का वह पार्ट हाँ नोट को आई कहते हैं आम बोलचाल में आइज कह देते हैं ठीक है ठीक है आइज़ कह देते हैं आंख बोल देते हैं उसको है ना तो देखो ये नोड है नोड है दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंटर नोड कहलाएगा तो आलू हो गया अदरक हो गया ज़मीन कंद हो गया ये सब क्या है इसमें देखो नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाएंगे नोट्स और इंटर नोट्स ये ओल है सूरन जिसे कहते हैं तो आलू हो गया अदरक हो गया हल्दी हो गया जमीन कंद हो गया ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स है अब आ जाइए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जड़ों का रूपांतरण जड़ों को कहाँ होना चाहिए जमीन के अंदर होना चाहिए क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए वाटर और मिनरल लेकिन कुछ जड़ें फूड स्टोरेज करने लगती हैं फ्लैशी हो जाती हैं और हम लोग उसको खा जाते हैं यानी ये मॉडिफाइड रूट्स हैं है ना जैसे कि आलू जो था वो मॉडिफाइड स्टेम था लेकिन जो स्वीट पटेटो है वो क्या है मॉडिफाइड रूट है शकरकंद मूली गाजर शलगम चुकंदर निमेटोफोर प्रॉप रूट रूट ये सब के सब क्या हैं मॉडिफाइड रूट्स हैं दे ऑल आर मॉडिफाइड रूट्स ये सब के सब क्या हैं मॉडिफाइड रूट्स हैं ध्यान से देखना रूपांतरित जड़ है ये सब के सब रूपांतरित जड़ है शकरकंद मूली गाजर यानी इसमें नोट्स और इंटर नोट्स नहीं है ये जमीन के अंदर ही है लेकिन फ्लैशी हो गए हैं ये सब के सब निमेटोफोर अभी बताऊंगा क्या होता है प्रॉप रूट क्या होता है स्टील्ट रूट क्या होता है फिर हम रूट के टाइप भी आपको बताएंगे आगे प्रॉप रूट क्या होता है एडवेंटिशस रूट क्या होता है तो इसका भी अब क्लासिफिकेशन होगा आगे चलकर अभी सिंपल याद रखिएगा कि शकरकंद मूली गाजर शलगम चुकंदर निमेटोफोर, विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रूट प्रॉप रूट एंड स्टील रूट दे ऑल आर मॉडिफाइड रूट ये सब के सब रूपांतरित जड़ हैं अब देखो आपने ये स्वीट पटेटो देखा होगा मूली देखा होगा गाजर देखा होगा शलगम चुकंदर तो आपने देखा है ये निमेटो फोर क्या है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम निमेटो फोर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है निमेटो फोर आप जानते हो कि एक प्लांट है एक प्लांट है मान लिया ये प्लांट की जड़ें हैं मिट्टी में और ये पेड़ की उसकी शाखाएं हैं मैंग्रोव प्लांट या आप बोल सकते हो राइजोफोरा मैंग्रोव एक प्लांट होता है जो मार्शी एरियाज में उगता है दलदली क्षेत्रों में या काफी ज्यादा सॉल्टी एरियाज में भी उगते हैं ये अब होता क्या है कि ये मार्शी एरियाज में ये मैंग्रोव का प्लांट उग रहा है तो मार्शी एरियाज की दलदली जो मिट्टी है इसमें सॉयल पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होता जिसकी वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन होता नहीं है अब जड़ों को भी क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए वरना जड़ों की डेथ हो जाएगी तो पौधे की डेथ हो जाएगी तो होता क्या है कि कुछ रूट्स जो हैं इसके इस तरह से ऊपर आ जाते हैं इन्हीं रूट्स को हम लोग निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं क्या कहते हैं निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट निमेटोफोर फोर या श्वसन मूल कहते हैं श्वसन मूल कहते हैं अब देखो जड़ों को कहां रहना चाहिए था जमीन के अंदर रहना चाहिए था ये कहाँ आ गए जमीन के ऊपर आ गए जड़ों को क्या एब्जॉर्ब करना चाहिए था वाटर और मिनरल ये क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन तो जड़ों का काम होना चाहिए था कुछ कर रहा है कुछ जड़ों को होना चाहिए था जमीन के नीचे ये हैं ऊपर तो ये मॉडिफाइड रूट हो गए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है मैंग्रोव में या राइजोफोरा के पौधों में कौन सा रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के बजाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो आपका उत्तर हो जाएगा निमेटोफोर तो ये एरियल रूट्स है मतलब हवा में ये रूट हैं तो ये रूपांतरित जड़ हो गए ठीक है जी उसके बाद आते हैं प्रॉप रूट प्रॉप रूट कहां पाया जाता है ये आप लोग बताइएगा और इस निमेटोफोर की वजह से मैंग्रोव का जो जंगल है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है सुंदरवन में जाइएगा तो मैंग्रोव के विशाल विशाल वृक्ष आपको मिलेंगे निमेटोफोर भी देखने को मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे आदमखोर शेर भी होते हैं तो थोड़ा संभल कर अब वहाँ पर आदमखोर शेर सामने आ गया तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए और शेर से मैं कहूँ कि उसे छोड़ दे मुझे खा जाए ऐसा नहीं है कोई ये सब फिल्मों में होता है हाँ लेंटी सेल्स होते हैं इस, इसके ऊपर ये जो इस पर होगा वो लैंटीसेल्स होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस पर इन छिद्रों को हम लोग क्या बोलेंगे लैंटी सेल्स जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन को लेंगे अंदर को शक है तो अगर बात की जाए कि ये जो प्रॉप रूट होता है जिसे हम पिलर रूट भी कहते हैं ये पाया जाता है आपका किसमें तो बनयान में और रबर इंडियन रबर का जो प्लांट होता है तो ये देखो निमेटोफोर है जिसे हम स्वर्षन मूल कहते हैं है ना और इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लैंटीसेल्स कहते हैं जो ये ब्रीदिंग करते हैं ना तो नॉर्मल रूट नीचे होता है निमेटोफोर जो है वो ऊपर होता है ठीक है जी तो निमेटोफोर की जहाँ तक बात की जाती है तो नि, निमेटोफोर मैंग्रोव प्लांट में पाए जाते हैं एंड दीज आर द एरियल रूट्स फॉर रेस्परेशन ऑफ दोज प्लांट्स ये एरियल रूट होते हैं जो रेस्परेशन की क्रिया करते हैं और इनके सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं क्या कहते हैं लेंटिसल्स कहते हैं जो एयर को अंदर जाने देते हैं सीओ को बाहर आने देते हैं अब बात जहाँ तक है प्रॉप रूट की प्रॉप रूट जिसे हम पिलर रूट कहते हैं यह भी मॉडिफाइड रूट है पिलर रूट्स पिलर के जैसा काम करता है ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है ये पाया जाता है आपका बनियान में और रबर का ट्री जो होता है बनियान के ट्री में आपने देखिए देखिएगा कि ये स्टैम्प से इस तरह से रूट निकलता है और ये स्वाइल को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर चला जाता है और ये एक पिलर जैसा काम करता है जड़ों को कहां रहना चाहिए था जमीन के नीचे ये कहां गए जमीन के ऊपर जड़ों को एब्जॉर्ब करना था वाटर एंड मिनरल ये क्या कर रहे हैं प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं सो मॉडिफाइड रूट हो गया तो प्रॉप रूट या पिरल पिलर रूट किस में पाया जाता है बरगद के पौधों में या इंडियन रबर प्लांट जो होता है उसमें भी पाया जाता है नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट देखना नेक्स्ट हमारा क्या था ये देखिए निमेटोफोर देख लिया प्रॉप रूट देख लिया अब है रूट। तो स्टिल्ट रूट की जहां तक हम बात करते हैं तो स्टिल्ट रूट आपको पता होगा कि ये पाया जाता है मक्का में और गन्ना में है ना तो अगर मक्का और गन्ना के पौधों को आप लोग देखोगे तो ये जो है मेन रूट होता है आपका लेकिन ये मान लिया के गन्ना का पौधा है या मक्का का पौधा है उसमें आप देखना के ऊपर से रूट निकल आते हैं इस तरह से ऊपर से रूट निकल आएगा ऐसे ये देखो इन रूट्स को हम स्टिल्ड रूट कहते हैं और अस्तंभ मूल कहते हैं ये ओरिजिनल रूट होते हैं जो वाटर और मिनरल क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ये जमीन के अंदर है लेकिन ये रूट जमीन के ऊपर है एरियल रूट्स है मतलब ये जमीन के ऊपर है ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं दृढ़ता प्रदान करते हैं ऐसा आपने देखा होगा गन्ना का पौधा या मक्का का पौधा आपने देखा होगा तो बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि स्टिल रूट क्या है तो आपके ना मॉडिफाइड रूट है कहाँ पाया जाता है मक्का में और गन्ना में पाया जाता है ठीक है क्लियर है अब आ जाइए थोड़ा सा इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं जैसे देखो अभी हमने कहा के स्वीट पटेटो रेडिश कैरेट टर्निप बीट निमेटो फोर प्रॉप रूट ये सब के सब मॉडिफाइड रूट हैं लेकिन रूट भी दो तरह के होते हैं एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है एडवेंटिशस रूट टैप और एडवेंटिशस रूट तो कौन वाला टैप रूट का मॉडिफिकेशन है कौन वाला एडवेंटिशस रूट का मॉडिफिकेशन है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की तो रूट प्लांट का वह पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है है ना तो प्लांट के किस पार्ट को रूट कहेंगे हम लोग तो आपने कहा था कि प्लांट के किस पार्ट को रूट कहेंगे जो रेडिकल से ग्रो होता हो मूलांकुर से विकसित हो रहा है और जमीन के नीचे जाता है अब देखो रूट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है टैप रूट मूसला जड़ और दूसरा होता है एडवेंटिशिय रूट अपस्थानिक जड़ रूट भी दो तरह के है टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट मूसला जड़ और अप स्थानिक जड़ जैसे क्वेश्चन मैं कहूं आपसे कि देखो मूली गाजर ये क्या है मॉडिफाइड रूट है लेकिन वो किसका मॉडिफिकेशन है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है तब तो आप फंस जाइएगा तो वो भी जानना थोड़ा सा जरूरी है डीपली भी तो टैप रूट वो होता है जो रेडिकल से डेवलप होता है टैप रूट वो होता है जो रेडिकल से डेवलप होता है और जमीन के अंदर एक रूट बिल्कुल नीचे नीचे तक जाएगा ये पेड़ है ना तो एक रूट जो है जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं वो पूरा नीचे तक जाएगा और फिर इस रूट से ढेर सारे ब्रांचेस ऐसे, ऐसे ऐसे निकलेंगे ऐसे तो वो रूट जो मोलांग से विकसित होता है और जिसमें एक मेन रूट होगा जो बिल्कुल ज़मीन के नीचे तक पैनिट्रेट करेगी और इससे फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स इस तरह से निकलेंगी लेकिन जो एडवेंटिशस रूट होगा जिसको हम फाइबरस रूट भी कहते हैं इसमें क्या होगा कि ये रेडिकल से विकसित नहीं होता है ये जो है इस तरह से कोई भी इसमें मेन जड़ नहीं होता सब अपने आप में मेन होते हैं इस तरह से फाइबर जैसा रूट होता है तो इसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे ठीक है तो इसको आपको याद रखना है तो एडवेंटिशियस रूट वो होते हैं जो रेडिकल से ना ग्रो होकर किसी और पार्ट से ग्रो होते हैं प्लांट के किसी और पार्ट से ग्रो होते हैं उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होगा है ना चलिए तो ये हुआ टैप रूट और ये हुआ फाइबरस रूट जिसे हम एडवेंटिशस रूट भी कहते हैं एडवेंटिशियस रूट को हम लोग फाइबरस रूट भी बोल सकते हैं अब आ जाइए मूसला जड़ों के उदाहरण जैसे अगर पूछा जाए कि भाई गाजर शलगम चुकंदर निमेटोफोर ये सब क्या है जड़ों के उदाहरण है जड़ों के रूपांतरण है पर किस तरह के जड़ों के टैप रूट के या एडवेंटिशियस रूट के तो याद रखिएगा गाजर शलगम मूली चुकंदर और निमेटोफोर ये सब के सब टैप रूट के मॉडिफिकेशन है रूट में भी कौन सा टैप रूट मतलब मूसला जड़ों के रूपांतरण है क्वेश्चन को डीप कर सकता है क्योंकि अभी तक सिर्फ ये पूछा गया है सी में कि कौन जड़ों का उदाहरण है कौन मतलब पत्तियों का रूपांतरण है कौन जो है वो तना का रूपांतरण है लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में उम्मीद करता हूं मैं इस तरह का क्वेश्चन जरूर सी डी एस यूपीएससी लाएगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट है आपका आपास्थानिक जड़ों के उदाहरण जैसे आपका स्वीट पोटैटो स्टिल रूट प्रॉप रूट स्टील रूट कहाँ पाया जाता है मक्का में और गन्ने में प्रॉप रूट कहाँ पाया जाता है बनियान में और स्वीट पोटैटो तो है ही ये सब के सब रूपांतरित जड़ हैं लेकिन किसके तो एडवेंटिशस रूट के रूपांतरण है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे यहां तक तो क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो पूछो बताइए डिवाइडेड डिवाइडेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिया मैंने तो सिर्फ मूसलाधार बारिश के बारे में सुना था अच्छा ये मूसला जड़ भी है ये मूसला है मूसलाधार नहीं है दोनों में बहुत अंतर है मूसला में और मूसलाधार में है ना तो वो अलग चीज़ें हैं गलत वे में मत ले जाइए तेरी तस्वीर कल आ गई हाथ में हम भटकते रहे चांदनी रात में बीच तेरे मेरे एक दीवार है वो भी गिर जाएगी अब के बरसात में तो इस दीवार जो यहां पे शब्द दीवार आया है उसका मतलब क्या है मिट्टी की दीवार या ईंट की दीवार शायर क्या कहना चाहता है इसमें तेरी तस्वीर कल आ गई हाथ में हम भटकते रहे चांदनी रात में बीच तेरे मेरे एक दीवार है वो भी गिर जाएगी अब के बरसात में समझ में आ रहा तो बातें अलग हैं कहा जा रहा है नजरिए से अलग हम्म चलो शिशिर क्लियर है सबको तो एक बार बोलिए क्लियर लाइक ए स्प्राइट रास्ता क्लियर है मैं आगे बढ़ जाऊँगा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपको मिलेगा ओके okay. इसको समझना जरूरी है तो इसको रट लेना हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा दे ठीक है जी चलो अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पत्तियों के रूपांतरण पत्तियों के रूपांतरण जड़ों का देख लिया तना का देख लिया पत्तियों का देखते हैं ठीक है जी हम्म, दो गज की दूरी जरूरी है बिल्कुल सही है है ना? दूरी जरूरी होती है फासला लाजमी है दूरी बरकरार रखनी चाहिए दो गज की हमेशा है ना पत्तियों का काम क्या होता है जमीन के ऊपर है ना पत्तियों का काम क्या होता है ज़मीन के ऊपर रहना फोटो करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अंजाम देना लेकिन कुछ पत्तियाँ ज़मीन के अंदर चली जाती हैं फूड स्टोरेज करने लगती हैं भोजन संग्रह करने लगती हैं भोजन संचित करने लगती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं गुदेदार हो जाती हैं और हम लोग इसी ताक में रहते हैं फिर हम उसको खा जाते हैं तो नॉर्मल पत्तियों की बात नहीं हो रही है रूपांतरित पत्तियों की बात हो रही है जैसे अगर पूछा जाए लहसन और प्याज क्या है तो आर मॉडिफाइड लीव्स ओके याद रखना मॉडिफाइड लीव्स है ना आ, बोले तो रूपांतरित पत्तियां रूपांतरित पत्तियां हैं या एनसीआरटी की माने हम अलेवेंथ क्लास की जो एनसीआरटी है बायो उसमें लिखा है फ्लैशी लीव्स फ्लैशी लीव्स गुदेदार पत्तियां है ना गुदेदार पत्तियां प्याज देखा ही होगा आपने प्याज को खोलिए तो इस तरह से परत दर परत वो खुलती जाती है वो पत्तियां हैं जो क्या हो गई हैं फ्लैशी हो गई हैं तो प्याज और लहसुन क्या हैं पत्तियां हैं आपको लगता होगा अच्छा जड़ है या तना है स्प्राइट की तरह साफ है ठीक है क्लियर हो गया चलो हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा इसी से संबंधित चीज़ें के चीज़ों को देख लेते हैं और फ्रूट्स टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट्स के एडेबल पार्ट्स है ना उस पर हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से बनाऊंगा मैचिंग वाले में दे दूंगा कि एक क्वेश्चन में सारा साफ़ हो जाए आपका कॉन्सेप्ट वैसे तो अलग अलग पूछते हैं सी में लेकिन एक क्वेश्चन मतलब एक कॉलम दो कॉलम मैच करके और वो क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे आगे वो संडे को आपको दिख जाएगा संडे को ग्यारह बजे ठीक है ओके अब आ जाइए टाइप्स ऑफ फ्रूट फलों के प्रकार आपको शायद मालूम होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जब पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है ना फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है ये ये देखो स्टिग्मा है स्टाइल है ये ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाया है मैंने और ये जो ओव्यूल है ये जो ओव्यूल है है, है ना? Ovil यानी ovule, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है ये आपने पढ़ा होगा यहां से दो क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इन टू निशेचन के फलस्वरूप अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है फल में और बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है बीज में ये स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो डैमेज हो जाता है जैसे आपने अनार का फल नहीं देखा क्या अनार के फल में ये देखो ये स्टिग्मा स्टाइल आपको दिखेगा ये खत्म हो गया इसका कोई काम नहीं है ये जो ओवरी था फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और ओव्यूल क्या हो गया सीड में कन्वर्ट हो गया अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा एक से ज्यादा ओव्यूल है तो एक से ज्यादा सीड बनेगा जैसे कि अनार एक सीड है एक ओव्यूल है तो एक ही सीड बनेगा तो आपको याद होना चाहिए कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है बीज में सो फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी एंड सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल रट गया निषेचन के पश्चात ये सी का क्वेश्चन है बीस या उन्नीस में पूछा था ये ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है फल में और बीजांड हो जाता है बीज में परिवर्तित अब आ जाइए फ्रूट्स के टाइप पे आपको पता होगा कि फ्रूट दो तरह के होते हैं एक होता है आपका ट्रू फ्रूट्स सत्य फल दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट क्या अंतर है बताओ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या अंतर है YouTube पर बायो की सभी टॉपिक क्लासेस है बिल्कुल हैं लॉग नहीं हो रहा है मोहम्मद अजगर अली किस बैच में थे आप तो बैच में थे ना पेड़ वाले में असगर कौन सा था आपका और शौर्य था कौन सा था तो ट्रू फ्रूट जो है वो फ्रूट होंगे जो ओवरी से डेवलप होंगे है ना वो फल जो अंडाशय से विकसित होंगे उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे लेकिन वो फल जो ओवरी से डेवलप नहीं होते अंडाशय से विकसित ना होकर पुष्प के किसी अन्य भागों से विकसित होते हैं फ्लार के किसी और पार्ट से विकसित होते हैं उसको फॉल्स बोलेंगे तो सिंपल क्या याद रखना कि ओवरी से विकसित हो रहा है तो ट्रू और ओवरी से विकसित नहीं हो रहा है तो फॉल्स फ्लार का कोई और पार्ट फल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे इतनी बात दिमाग में आपको रट लेनी है तो ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम ओवरी ये अंडाशय से विकसित होंगे जैसे कि के आपका आ, केला आ, मैंगो इत्यादि फॉल्स फ्रूट वो होंगे जो ओवरी से ना विकसित होकर फ्लार के किसी और पार्ट से डेवलप होंगे जैसे कि सेब नाशपाती काजू स्ट्रॉबेरी अब आप कहिएगा यही चार हमने क्यों लिया क्योंकि यही चार एग्जाम्पल आपके एनसीआर में के बुक में दे रखा है आप एनसीईआरटी पढ़ोगे अलेवेंथ क्लास का बायो तो उसमें यही चार दे रखा है तो मैंने भी यही चार ले लिया तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का एक तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया कि कौन एक ट्रू फ्रूट है कौन नहीं है या कौन एक फॉल्स है कौन फॉल्स नहीं है ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ठीक है अब देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रूट्स एंड देयर एडेबल पार्ट्स फल एवं उसके खाने योग्य भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको रट के जाना है एग्जाम में जैसे कि सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है तो उत्तर हो जाएगा थैलेमस पुष्पाशन ये जो फूल होता है ना फूल का वह पार्ट जिस पे सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं कैलिक्स कुरोला एंड्रोशियम गैनोशियम सब लगा होता है तो फ्लार का वह पार्ट जिस पर सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं थैलेमस ये ये थैलेमस ही फ्लैशी हो जाता है और फ्रूट बना लेता है तो ऑप्शन में रह सकता है जैसे क्वेश्चन होगा कि एडेबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पेयर इज ऑप्शन में आपका हो सकता है थैलेमस या फ्लैसी फ्लैशी थैलेमस पुष्पाशन या गूदेदार पुष्पाशन तो सेब नाशपाती का खाने योग भाग योग्युषन होता है इसको पुष्प का आसन कहते हैं ना इसपे सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं दूसरा है नारियल नारियल का खाने योग्य भाग होता है एंडोस्पम ये एंडोस्पम क्या है उस पर जाने की जरूरत नहीं है रटना है इसको तो पूछा था कि नारियल पानी क्या होता है ये आपके एग्जाम में नहीं सीजियल के एग्जाम में पूछा गया कि नारियल पानी क्या होता है वट इज कोकोनट वाटर ये अच्छा क्वेश्चन था हालांकि सीजियल में वाहियात टाइप के क्वेश्चन रहते हैं लेकिन ये अच्छा था कोकोनट वाटर नारियल पानी क्या होता है तो था लिक्विड इंडोस्पम क्या था गैज बोलिए लिक्विड एंडोस्पम दरब भ्रूण पोष दरब भुरुण पोषक लीची का खाने योग भाग किस नाम से जाना जाता है तो वो है एरल हिंदी में भी एरल लिखा रहेगा तो इसको रटना है एप्पल और पेयर कोकोनट का, का एंडोस्पम लीची का एरल आगे देखेंगे तो बहुत सारे फ्रूट और उसके खाने योग भाग हैं। लेकिन मैं यहां पर जितना लिख रहा हूं बस उतना याद रखना है उसके आगे आपको नहीं देखना ऑरेंज का खाने योग भाग क्या होगा जूसी हेयर्स रसीले रोम आपने देखा होगा संतरा इसमें इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जूसी हो जाते हैं और इसी से रस निकलता है तो जूसी हेयर्स कटहल का खाने योग्य भाग होता है ब्रैक्ट पैरियंथ एंड सीड सहपत्र परिदल और बीज कटहल देखा होगा सबसे अंदर सीड होता है सीड के ऊपर क्या होता है एक और लेयर होती है और उसके ऊपर एक और मोटी सी लेयर होती है ऐसे तो सबसे जो बाहर होता है ना वो होता है ब्रैक्ट सहपत्र उसके नीचे आपका परिदल और नीचे होता है बीज इन तीनों को खा जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा कटहल है सहपत्र परिदल और यहाँ पे बीज होना चाहिए बीज यहाँ पे आ गया ये वहां पे है यहाँ पे इसको उठा के रख देते हैं मैंगो का अक्सर पूछा गया है कि मैंगो का खाने योग्य भाग क्या होता है तो वो होता है मेजोकार्प मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, इतना कम से कम आपको रट के जाना है अच्छा बीस बाईस में पूछा गया था सी एच एस एल में चलिए सही है ठीक है जी सहपत्र परिदल और बीज ठीक है ब्रैक्ट पैरियंथ और जो है आपका सीड तो अगर ओवरी से विकसित हो रहा है ओवरी से विकसित हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे ट्रू फ्रूट ओवरी से विकसित नहीं हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट हम लोग कहते हैं ठीक है जी फॉल्स फ्रूट हम लोग कहेंगे अब एक चीज याद रखना पार्थेनो कार्पी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्थेनो कार्पी और एक और है वीवी -वी पेरी जो आपके सीजियल में सॉरी सी में पूछा गया था पार्थेनो कार्पी जिसे हिंदी में हम अनिशेक फलन या अनिशेक जनन कहते हैं अगर आप एनसीआर की हिंदी देखेंगे तो उसमें अनिशेक जनन लिखा हुआ है किसी और बुक में अनिशेक फलन भी लिखता है क्या होता है इसको समझते हैं मैंने अभी कहा कि निषेचन के बाद ये जो ओवरी होती है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओव्यूल होता है ना वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही ना हो फर्टिलाइजेशन हुआ ना हो और ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया हो इसी को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित हो जाना निषेचन हुआ नहीं और अंडाशय फल में कन्वर्ट हो गया तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बन जाना है ना अनिशेक जनन या अनिशेक फलन कहेंगे अब देखो निषेचन हो रहा था तो सीड किस में कन्वर्ट सॉरी ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा था सीड में अब निषेचन होगा ही नहीं तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा मतलब वो फ्रूट्स जो पार्थेनोकार्पी के द्वारा विकसित होंगे वो सीडलेस होंगे हम आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं हॉर्मोन वगैरह देकर है ना हम बिना सीड वाला पौधा बना सकते हैं आर्टिफिशियली नेचुरली अगर हम देखें तो जैसे कि अंगूर हो गया केला हो गया इसमें सीड नहीं होते मतलब गॉड ने इनको पार्थेनो कार्पी के द्वारा विकसित किया आप केला खा रहे होते उसमें सीड आ जाता सारा मजा खराब हो जाता तो गॉड ने कहा कि चलो इसको हम दूसरे मेथड से आपके लिए बनाते हैं अंगूर छोड़ा सा उसमें बीज आ जाता मजा खराब हो जाता तो पार्थेनो कार्पी के द्वारा जो फूड डेवलप होते हैं वो सीडलेस होते हैं क्या होते हैं सीडलेस बीज रहित होते हैं क्लियर है जी प्रभात करें सर ये अपने किस काम का यूपीएससी क्यों पूछता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे आप साइंस ठीठा पढ़ते हैं कॉस्ट ठीठा पढ़ते हैं तो आपको पहले लगता है कि इसका कोई काम नहीं है जब आगे आप जाते हैं इंजीनियर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं तो उसकी वैल्यू समझ में आती है ठीक है अब जैसे हमें क्या करना है आगे आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो है ना तो हम पार्थेनोकार्पी करना चाहें बिना सीड का पौधा उगाना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन लगाया जाएगा है ना कैसे होगा ठीक है तो यूपीएससी आपको हर तरह की जानकारी के बारे में पूछता है ये देखो सी में पूछा था वीवी -वी पेरी के बारे में ये शायद 2020 का क्वेश्चन है जरायुजता या जरायु जर्मिनेशन जिसे हम बोलते हैं उसको हम देख सकते हैं वीवी वी पेरी क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये कोई पौधा है और इसकी ये पत्तियां हैं ठीक है और इससे क्या है एक फल लगा हुआ है और फल के अंदर बीज है फल टूटकर गिरा नहीं है फल टूट कर गिरा नहीं है और फल अभी जो है वो पेड़ की टहनियों से शाखाओं से जुड़ा हुआ है और इसका सीड जर्मिनेट कर गया इस पर पौधा निकल आया ओके okay. बहुत ही मस्त बात है ये ये देखो फल जो है पेरेंट प्लांट से लगा हुआ है और इसका सीड जर्मिनेट कर गया है इसको पौधा बन गया है इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं वी, वी पेरी कहते हैं यानी फ्रूट पेड़ की शाखा से अटैच्ड है गिरा नहीं है और वो उसका सीड जर्मिनेट कर गया है इस फिनोमिन को हम क्या कहते वी वी पेरी कहते दैट इज द फिनोमिन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन साइड द फ्रूट वाइल दे आर स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट इज नोन एज वट वीवी पेरी और ये बहुत कॉमन है मैंग्रोव के पौधों में मैंग्रोव के पौधों में ये बहुत कॉमन है तो जब बीज का अंकुरण मातृ पौधों पर ही हो जाता है तो इसे जरायुजता या जरायुजी अंकुरण कहते हैं जैसे कि पौधे राइजोफोरा में होता है या मैंग्रोव के पौधों में होता है मैंग्रोव को राइजोफोरा भी कहते हैं आप अगर डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये दे, देखो ये फल है और फल जो है ये अंकुरित हो गया देखो ये रेडिकल आ रहे हैं फिर ये बड़ा होगा और ये टूट कर गिरेगा और ये जमीन के अंदर अपनी जड़ों को क्या करेगा जोड़ लेगा तो अगर पौधा जो है सॉरी फल जो है वो पेड़ की शाखाओं से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट करके पौधा बन गया है तो इसको हम वीवी पेरस जर्मिनेशन या वीवी पेरी कहेंगे क्या कहेंगे वीवी पेरी कहेंगे क्लियर है जी तो ये रेडिकल जर्मिनेट हो रहा है आप अगर ओरिजिनल डायग्राम देखना चाहते हो तो ये वाला डायग्राम है तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था आपके सी में क्लियर है तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही नेक्स्ट क्लास में आपका जो शेड्यूल क्लास होगा वो हम देखेंगे और दो टॉपिक और हम देखेंगे कल थर्सडे है एक टॉपिक और देखेंगे और फ्राइडे तो टोटल हमारे जो टॉपिक्स हो जाएंगे हमने मंडे को क्या पढ़ा था आ, जो भी पढ़ा हो फिर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी थी और फिर हमने आज पढ़ा है मॉडिफिकेशन और कल और परसों तो जो टॉपिक होगा उस पर बेस्ड एम हम लेकर आएंगे संडे को 11 बजे किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है कोई डर है कोई झिझक है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे प्रतिष्ठा में जान नहीं गंवानी है कि हम पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे लोगों की परवाह किए बगैर अपने क्वेश्चंस क्वेश्चन पॉलीमर्स पढ़ा था प्रिया बिल्कुल सही याद दिलाया मैं भूल गया था पॉलीमर्स हमने पढ़ा था पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक पढ़ाता तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए पुतिन साहब बाजीगर साहब कहाँ हैं कोई दिक्कत है किसी को समझने में ऑल क्लियर वेरी गुड चलिए अच्छा तो देख देखेंगे कि इन टॉपिक्स पे क्या क्या प्रीवियस प्रीवियसर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ हम देखेंगे क्या आगे पूछे जा सकते हैं लंच तो आपको हाँ बिल्कुल भूख तो लग रही है आ, लेकिन अभी नहीं है बारह ही बज रहे हैं अभी उतना ज़्यादा भूख का एहसास नहीं है इस वक्त क्लास के बाद कॉफ़ी वगैरह पीने का मन होता है या चाय वगैरह पीने का मन होता है तो क्लियर है सबको किसी का कोई डाउट नहीं है ओके पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर मिलेगा टेलीग्राम का लिंक आज भी नहीं है हमारे पास चलिए देखते हैं आगे तो आज के लिए बस इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त किसी का कोई डाउट नहीं है क्लास समाप्ति की घोषणा की जाती है कल मिलेंगे ठीक है ग्यारह बजे एक और टॉपिक के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए अ नाइस डे टेक केयर बाय जय हिंद थैंक यू वेरी मच सी अगेन